अब ये आदमी खाना खा के वो सारे में टहल रहा है, आ इसकी बीवी दस्तरखान उठा के आंगन में झाड़ दी, आंगन में झाड़ी, कुत्ता भी दौड़ा मुर्गा भी दौड़ा, तो मुर्गा वो ना हड्डी का टुकड़ा उठाकर खा लिया। तो कुत्ता बोला कि ओ भाई मुर्गा ये क्या कर रहे हो, अरे तोर खाना भात रोटी चावल खुद्दा खुद्दी, हड्डी कने के जब खरे हड्डी तो हमारा हिस्सा है। तो मुर्गा बोला भैया चिंता मत करो, ये जो हमारे मालिक है नी कल एक बड़का बैल जैसी खड़ा दरवाजा में मरते खूब गोश खैते, मालिक सुने चीज़ मालिक सुना बोला अच्छा गाय मरेगी हम मरने देंगे तो हम ना मरेगी। बेटा को बोलाया बेटा दौड़ो भागो, बेटा सुनो गजब होने वाला है, गाय लो पलासी मार्केट जाओ बेच डालो। बेटा रस्सी खोला गया पलासी में बेच दिया, और जो ले गया तो मर गया उस गाय उसकी यहां मर गई। दूसरे दिन आया फिर खाना खाया, फिर ये मालिक सोचा के देखें आज ये क्या बोल रहा है कुत्ता मुर्गा क्या बोल रहा है। फिर वो खाना खा के टहल रहा है, वो कुत्ता आया मुर्गा आया, तो कुत्ते ने शिकायत की मुर्गे से कि भाई मुर्गा तुमने तो कहा था कि कल मालिक की गाय मरेगी, लेकिन गाय तो मरी नहीं। तो मुर्गा बोला कि सुनो मालिक उम्र बहुत चालाक है, ये अपनी मुसीबत दूसरे के सर डाल देता है, लेकिन चिंता मत करो कल ये मालिक का घोड़ा मरेगा। मालिक घोड़ा खोल गए बेटा के दिल कह रही आ लगली बिजली। अब ये तीसरा दिन है, फिर कुत्ते ने शिकायत किया कि भाई मुर्गा तुमने कहा कि गाय मरेगी लेकिन गाय मरी नहीं, तुमने कहा घोड़ा मरेगा घोड़ा मरा नहीं, मेरा मालिक बड़ा चालाक है अब क्या होगा। तो मुर्गा बोला भैया टेंशन मत ला कल अपनो मालिक के मरती बाप पसीना ढील भैगे। मालिक मरा कि नहीं मरा मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। मौजूद सामने करम जहन को हाजिर करो, हजरत मूसा अलैहि सलाम एक रास्ते से गुजर रहे हैं, एक आदमी ने रास्ता रोक लिया, कहा कि अल्लाह के पैगंबर ए अल्लाह के कलीम थोड़ा सा ठहर जाइए, मुझे पता है अब अल्लाह से मिलने जा रहे हो, अब अल्लाह से गुफ्तगू करने जा रहे हो, तो अल्लाह की बारगाह में एक अर्जी मेरी भी है एक फरियाद मेरी भी है, अब उसे अल्लाह की बारगाह में पेश कर देना। कहा कि बोलो, कहा कि अर्जी यही है फरियाद यही है कि हजरत हम बहुत गरीब हैं बहुत गरीब हैं, अब यूं समझ लीजिए कि कभी पेट भर कर खाना खाए ही नहीं, एक टाइम खाते हैं वो भी थोड़ा सा मिलता है। अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर दीजिएगा क्या मेरी किस्मत में इससे भी ज्यादा रोजी है कि नहीं है, अल्लाह की बारगाह अर्ज कर दीजिएगा क्या मेरी किस्मत में इससे भी ज्यादा रोजी है कि नहीं है, इससे भी ज्यादा रिज्क है कि नहीं है। हजरत मूसा अलैहि सलाम गए अल्लाह की बारगाह में, सारी बातें हो गई, ये भी बात पेश कर दिया या अल्लाह तेरा एक बंदा मिला था, या अल्लाह उनकी फरियाद थी उनकी क्या कहते अर्जी थी कि तू जो उसे रोजी दे रहा है उसे 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 जो रोजी दे रहा है जो रिज्क दे रहा है वो बहुत मुख्तसर है वो बहुत कम है। तो अल्लाह ने कहा कि मूसा उसकी किस्मत में दुनिया में थोड़ी सी रोजी है इसलिए उसे मैं थोड़ा थेरा दे रहा हूं ताकि वो पूरी जिंदगी उस रोजी को खा ले। तो मूसा अलैहि सलाम ने कहा कि या अल्लाह वो जितना उसकी किस्मत में है एक बार की आप दे दिए, थोड़ा थोड़ा का झमेला नहीं, कुर्बान जाइए। मूसा अलैहि सलाम आए इस शख्स से कहा कि सुनो तुम्हारी किस्मत में बहुत थोड़ी सी रोजी है, अल्लाह ने जो रोजी रखा है जो रिस्क रखा बहुत थोड़ा है। कहा कि थोड़ा है तो अल्लाह एक के बारगी हमको दे दे, मान गई एक बोरा गेहूं मेरे किस्मत में है तो एक के साथ हमको एक बोरा गेहूं दे दे, उकी चारटा पांचटा दाना दे लिया अल्लाह हमारा दे जा। आप यही कह दिए अल्लाह एक बोरा है बद दे दीजिए, वो हम समझेंगे खा लेंगे जब तक जिंदगी रहेगी खाएंगे, और जब रोजी खत्म हो जाएगा जब रोजी नहीं रहेगी तो हम मर जाएंगे। अल्लाह के बारगाह में अर्ज कर दिया मूसा अलैहि सलाम फिर दोबारा गए, कहा कि या अल्लाह इसकी किस्मत में जो रोजी है बस एक साथ दे दे सब रोजी दे दे, अल्लाह ने एक साथ रोजी दे दिया। अब देखिए आदमी बड़ा कितना चालाक निकला कितना होशियार आदमी निकला, अल्लाह अकबर कबीरा। वो आधी अब एक बोरा भी यूं समझ लीजिए मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, एक बोरा अनाज था उसमें से आधा बोरा घर में रखा खाने के लिए और आधा बोरा अल्लाह के राह में सदका कर दिया। सुभान अल्लाह बोले दो माशा अल्लाह के राह में क्या कर दिया, अल्लाह के राह में क्या कर दिया बोलिए,
वही क्या कर दिया बोलिए, सदका कर दिया। और कुर्बान जी अल्लाह के राह में सदका कर दिया है। अब आलम यह है, अल्लाह अकबर कबीरा, कुछ महीने गुजरे, साल गुजर गए, हजरत मूसा अलैहि सलाम को उसी रास्ते से गुजर हो तो देखते क्या है कि घर का नक्शा ही बदल गया है। ओह, बड़ा आलीशान मकान बना लिया है, दरवाजे के अंदर में खुशहाली है, घर के अंदर में खुशहाली है। अब हैरत में पड़ गए कि भाई वो आदमी तो मर गया होगा, जो आदमी को जिस किस्मत में यकी बोरा अनाज था, अब वो खा खूका के मर गया होगा। तो पूछा भाई ये मकान किसका, बोला फला का, बोला उसको बुलाया, बोला कि भाई क्या कहानी है, ये खुशहाली तुम्हारे घर में कैसे। तो उन्होंने सारा वाकया सुनाया कि हजरत देखिए अल्लाह की शान है, ओहो कि अल्लाह ने मुझे एक बोरा अनाज दिया, आधा बोरा मैं अपने लिए रखा, आधा बोरा मैं अल्लाह के राह में सदका कर दिया। और अल्लाह कहता है मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा, जो मेरे रास्ते में एक दाना खर्च करेगा हम एक दाने के बदले 70 दाना अता फरमाए। अल्लाह एक दाने के बदले में 70 दाना अता करता है, अल्लाह एक रुपया के बदले में 10 रुपया अता फरमाता है। अल्लाह का वादा है तो मैं अपना आधा अनाज अल्लाह के राह में सदका कर दिया तो उसका बदला अल्लाह बढ़ा कर देता है। फिर रोजाना फिर उसके कल होके फिर आधा रख लेता हूँ, आधा मैं अल्लाह के राह में सदका कर देता हूँ। अल्लाह ने इतनी खुशहाली अता फरमाई कि अब मेरे घर में जगह नहीं है कि मैं दौलत कहाँ रखूँ। मूसा अलैहि सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया तो अल्लाह ने फरमाया कि मूसा ये बड़ा अकलमंद शख्स निकला, ये हमसे सौदा कर बैठा, हमसे बिजनेस कर बैठा, ये हमसे तिजारत कर बैठा, हमारे रास्ते में खर्च करता है, फिर मैं लौटाता हूँ इसी से इसका माल बढ़ता चला जाता है, ये सखावत है। अल्लाह अकबर कबीरा, मौजा स्वामी किरम, अल्लाह के खजाने में किसी की कमी नहीं है, अल्लाह के खजाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है। इसलिए बताया गया अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे, एक खर्च करोगे 10 देंगे, अल्लाह 10 देगा। और अल्लाह का वादा माशाल्लाह, और अल्लाह का वादा इन्ना वादल्लाहि हक्कुन, अल्लाह का वादा हक है, अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा पक्का है। इंशाल्लाह भाई अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे, हाथ उठा इंशाल्लाह, कितने लोग खर्च करेंगे। ए अररिया, ए भाई अररिया जिला है ना, ए अररिया जिला के नमाउना मंजूर नोमानी साहब, ए मदरसा दारुल उलूम 0 माइल, वो बता रहे थे वो कौन सी बस्ती थी मुझे याद नहीं है, वो फरमा रहे थे कि एक बस्ती अररिया जिला ही के अंदर में है, जहन में बात नहीं आ रही है वो कौन सी बस्ती, बस्ती का नाम क्या था। 3 बेटे का बाप, बनियार आदमी, मजदूर आदमी था बेचारा, 4 बीघा जमीन, और उसके बस्ती में घर के बगल में जो मस्जिद थी ना, वो जब से पैदा हुआ था वो उस मस्जिद को ऐसे ही देखते हुए आ रहा था, वही फूस की मस्जिद है, दीवारें कच्ची है, ऊपर में टीन है, 5 टाइम का नमाजी उसी मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ता था। क्या दिल में ख्याल आया, रातों को सोया करवटे बदलता रहा है लेकिन आंखों से नींद दूर है। अल्लाह अकबर कबीरा, सोचने लगा इस मस्जिद को मैं जब से पैदा हुआ हूँ ये मस्जिद फूस की रह गई, ये सारे लोग अपने अपने मोहल्ले की मस्जिदों को बना रहे हैं, काश कोई अपने कदम को आगे नहीं बढ़ा रहा है। मेरे बस्ती में एक से एक पैसा वाला है लेकिन कोई अपने कदम को आगे नहीं बढ़ा रहा है कि चलो भाई हम ही इस मस्जिद को बना देते हैं। ये बेचारा दिल में फैसला कर लिया कि मेरे पास 3 बीघा ज़मीन है, कल बेटे लोगों को बिठाएंगे, मशवरा करेंगे, बेटा लोगों ने अगर इजाज़त दे दिया, मेरे बेटों ने अगर मुझे इजाज़त दे दी तो 1 बीघा ज़मीन हम बेचेंगे, अल्लाह के घर को बना देंगे। सुभान अल्लाह, बोले सुभान अल्लाह। उसके कल होके फजर की नमाज़ पढ़ के आया, 3 बेटे को बैठाया तो बेटों ने कहा कि अब्बा क्या बात है, कहा कि बेटा एक मशवरा है, कहा कि बोलिए अब्बा क्या मशवरा है। तो बाप ने कहा कि बेटा सुनो, मुझे मेरे पास 3 बीघा ज़मीन है, तुम लोग 3 भाई हो लेकिन बेटा सुनो मेरा एक मशवरा है, मेरी दिली ख्वाहिश है, मेरी ये हसरत है कि मैं जब से पैदा हुआ हूँ बेटा इस मस्जिद को मैं देख रहा हूँ, ये मस्जिद ऐसी की ऐसी मस्जिद है, फूस की मस्जिद है, बड़े बड़े पैसे वाले इस मोहल्ले में हैं लेकिन अपने कदम को कोई आगे नहीं बढ़ा रहा, बेटा अगर तुम लोग इजाज़त दो तो 1 बीघा ज़मीन बेच कर मैं अल्लाह का घर बना लूँ। तो बेटों ने कहा कि अब्बा आप खुद मालिक हैं, खुद मुख्तार हैं, हम लोग तो आपकी औलाद हैं, हम लोगों का क्या हक बनता है, ज़मीन आपकी है, इसका मालिक आप हैं, आप जो मर्ज़ी चाहे करें, हम लोगों को कोई एतराज़ नहीं है। बाप ने
तीनों बेटे की पेशानी को बौसा दिया, खुश हो गया कि मेरा बेटा फरमा बरदार है। एक बीघा जमीन बेचा। मौलाना मंजूर नोमानी साहब कहते हैं अररिया जीरो माइल अररिया जिला, एक बीघा जमीन बेचा। अब बेचकर जितना पैसा हुआ उस अल्लाह के घर को बना दिया, उस अल्लाह के घर को बना दिया। छह महीना गुजरा, अल्लाह का घर बनना था, बना दिया, बन गया। छह महीना गुजरा, उसका तीन बेटा में से दो बेटा सऊदी अरब गया। कहाँ गया बोलिए? सऊदी अरब। जबकि जिसने मस्जिद बनाई उसके घर में दोनों बीटा में, पूरा पश्चिम बीटा में फूस का घर था। अल्लाह अकबर कबीरा। अब बताइए, दो साल का वक्त नहीं गुजरा, तीसरा बेटा वो भी सच सच यमन चला गया। अब देखते देखते उसके चारों भीटे में अल्लाह ने पुख्ता का मकान बनाया। मौलाना मंजूर साहब कहते हैं आज का ये हालत है कि उस बस्ती में उससे बड़ा पैसा वाला कोई नहीं। वो कई मस्जिद बना चुका, अभी भी मस्जिद बनाता है। जहां देखता है कि मस्जिद कमजोर है, लोग कमजोर है, लोग कदम नहीं बढ़ाते हैं, वो अपना पैसा जो भी लगता है लगा देता है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह से तिजारत करना सीखो, अल्लाह से सौदा करना सीखो। अल्लाह उसी को देता है जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है।